नमस्कार। आज हम आपको बीकॉम थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट है अंकेक्षण, उसका टॉपिक है अशुद्धियां या कपट। ये अशुद्धियां क्या होती और कपट क्या होती है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या अशुद्धि या कपट एक दूसरे से अलग होती है। जो अशुद्धियां होती हैं, जो गलती होती है और जो फ्रॉड होता है, वो एक दूसरे से अलग होती है। यदि इसमें समानता है, यदि इसमें दोनों में समानता है, तो केवल इतनी है कि इनके होने से संस्था की सही स्थिति का पता नहीं लग जाता। अगर छल कपट किया जा रहा है या अशुद्धियां हो रही हैं, इससे संस्था की जो एक्चुअल स्थिति है उससे पता नहीं चल सकता है। सबसे पहले है ये अशुद्धियां है और ये कपट है। ये अशुद्धियां हैं, अशुद्धि, और ये है कपट। तो कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं और कौन कौन से कपट होते हैं, इसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले है इसमें है ज्ञान। अशुद्धियां हो जाती हैं जिस की उसे जानकारी नहीं होती। जब कोई लेखा पुस्तपालन या लेखाकर में अकाउंटेंसी में जो भी कर्मचारी जब एंट्री करता है, उसे धोखे में अशुद्धियां हो जाती है, क्लियर मिस्टेक हो जाती है, तो उसको जानकारी नहीं हो पाती है। और कपट में क्या है, कपट जानबूझकर इरादे से किया जाता है जिसे उसे पता होता है। जो कपट किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, वो जानबूझकर करता है और उसे उसको पता होता है। दूसरा है इरादा। अशुद्धियां किसी निश्चित भावना अथवा इरादे से नहीं की जाती। जो गलतियां हैं, जो पुस्तपालन है या लेखा अकाउंटेंसी में जो एंट्रियां की जाती हैं, जो बैलेंस शीट बनाया जाता है, प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है, जो जो कर्मचारी बनाते हैं जो संस्था के, वो उनकी अशुद्धियां किसी निश्चित भावना नहीं होती, ना किसी को इरादे से वो गलतियां करती हैं, लेकिन क्लर्कल मिस्टेक होने की वजह से अक्सर वो गलतियां हो जाती हैं। इसमें कपट में क्या है, कपट निश्चित भावना या इरादे से हुआ एवं विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। जो इसमें क्या है, जो कपट एक निश्चित भावना होती है कि हमें ये काम गलत करना है, एवं इरादे, उनके इरादे होते हैं कि आज अगर ये हमें कार्य दिया गया है, इसको हम गलत काम करेंगे, इसको हम सही काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इरादा गलत होता है, एवं विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति होती है, क्योंकि उनको मालूम होता है अगर ये हम गलत काम करेंगे या इसमें हम कपट करेंगे तो इतना हमको फायदा होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है, छल कपट निश्चित भावना या इरादे से एवं विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है। यानी कि उनका जो कर्मचारी होता है, उसका जो कपट करने का उद्देश्य होता है, वो अपने एक निश्चित उद्देश्य एवं इरादे से वो कपट करता है। तीसरा है परिणाम। तो परिणाम में क्या होता है, अशुद्धि में इसके पहले या बाद के परिणाम जानने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। क्योंकि परिणाम में जो भी कर्मचारी जो पोस्टिंग करते हैं, उसको जानकारी नहीं होती कि हमने क्या एंट्री, जो हम एंट्री कर रहे हैं, क्या हमसे गलती हो गई, क्योंकि वो अनजान रहता है। तो उसको परिणाम के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो उसको मालूम नहीं चलता है कि ये हमारे द्वारा गलती हो गई, तो इससे क्या होगा। तो इसमें अशुद्धि में उसको जानने का प्रश्न नहीं होता। लेकिन कपट में, कपट, छल कपट सब कुछ सोचने के बाद ध्यान में रखकर किया जाता है। जब कपट जो है, छल कपट, सब कुछ सोचने के बाद ध्यान में रखकर, जो व्यक्ति फ्रॉड करता है वो पहले से ही सोच लेता है कि हम ये फ्रॉड करेंगे, तो इस तरह ये समस्या आ सकती है। यानी कि वो पहले से ही माइंड मेकअप करके छल कपट का वो ध्यान में रखकर किया जाता है। चौथा है अपराध। क्योंकि अशुद्धि जानबूझकर नहीं की जाती, अतः अशुद्धि करने वाला व्यक्ति क्षम होता है। क्योंकि ये जो अपराध है, मतलब जानबूझ के उसने गलती नहीं की है, तो उसको हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो अनजाने में गलती हो जाती है। लेकिन कपट करने वाला व्यक्ति महान दोषी होता है, क्योंकि वो जानबूझ कर गलती कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति वो है, वो जानबूझ कर गलती कर रहा है, तो कपट करने वाला व्यक्ति महान दोषी होता है तथा दंड का भागी होता है, उसको क्षमा नहीं किया जाता। क्योंकि जो व्यक्ति जानबूझ कर गलती करता है, तो उसको दंड का वो भागी होता है, उसको हम माफ नहीं करते। सतर्कता।
सतर्कता से कार्य करने पर अशुद्धि की गुंजाइश कम रहती। अगर हम किसी भी काम को करते हैं, सावधानी पूर्वक करते हैं, तो उसमें गलती की कमी होने की संभावना कम रहती है। अब इसमें कपट में क्या, कपट करने वाले अपने लाभ के लिए कार्य करता है। जो व्यक्ति फ्रॉड करता है वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, तथा वह कपट करने तथा उसे छिपाने का भी सतर्कता बढ़ता है। जो व्यक्ति कपट करता है तो वो छुपाने का भी प्रयास करता है कि हमारा जो हमने कपट किया है किसी को उस विषय में जानकारी ना होने पाए। सिक्स है पता लगाना। अशुद्धि का पता आसानी से लग जाता है। जो अशुद्धियां जो गलती की जाती है जब वो अंकेक्षण करते समय, वो बड़े आसानी से उनको पकड़ लेता है। लेकिन कपट में क्या होता है, कपट का पता लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि कपट चतुरता से किया जाता है, चतुराई से किया जाता है। जो व्यक्ति कपट करता है बहुत ही होशियारी से करता है, उसको पकड़ने में बड़ी सतर्कता की जरूरत पड़ती है। तलपट पर प्रभाव। अशुद्धि का प्रभाव प्रायः तलपट पर पड़ता है, यानी कि टाइल बैलेंस पर पड़ता है। जब हम कोई भी पुस्तपालन या लेखाकर्म एंट्री गलत कर देते हैं तो उसका जो प्रभाव होता है वो टाइल बैलेंस पे पड़ता है। इस आप कपट में क्या है, इसका उद्देश्य कपट करने वाले को लाभ प्रदान करना। जो इसका जो उद्देश्य है वो कपट करके जो टाइल बैलेंस है इसमें जो है उसको लाभ प्रदान करना, यानी कि उसको प्रॉफिट पहुंचाना होता है। जो कपट करने वाला व्यक्ति होता है, इसका उद्देश्य कपट करने वाले व्यक्ति को लाभ पहुंचाना होता है, यानी कि उसको प्रॉफिट देना होता है। लास्ट है अधिकारी। अशुद्धियां कभी भी व्यवसाय के स्वामी द्वारा नहीं कराई जाती। जो भी व्यवसाय का मालिक है उसके द्वारा भी कभी भी अशुद्धि नहीं कराई जाती, गलतियां उसके द्वारा नहीं कराई जाती है। अब कपट में क्या होता है, पर कपट कभी कभी कर बचाने की दृष्टिकोण द्वारा किया जाता है। अब जो व्यवसाय का मालिक होता है वो इनकम टैक्स बचाने के लिए बैलेंस शीट, टाइल बैलेंस में और भी प्रॉफिट लॉस में अपनी जो इनकम है छुपाने का प्रयास करता है, जिससे कि हमारी इनकम अगर कम होगी, अगर हम कम दिखाएंगे तो हमको इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। इस तरह से ये कपट में इस तरह से किया जाता है। तो आपने देखा जो अशुद्धि और कपट, अशुद्धियां किस तरह होती हैं और कपट किस तरह होते हैं। तो इस तरह से आप जो अंकेक्षण होता है उसको अशुद्धि और कपट के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक। अगर वो इस विषय में अगर वो जानकार नहीं है तो उसके बैलेंस शीट और टाइल बैलेंस या प्रॉफिट लॉस के निकालने में, चेक करने में दिक्कत हो सकती है। तो अंकेक्षण को बड़ी चतुराई से, बड़ी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, तभी उस संस्था के विषय में सही वस्तुस्थिति पता लग जा सकता है।